क्या आप जानते हैं कि पटियाला पैग का नाम पटियाला कैसे पड़ा, कब पड़ा और ये दुनिया में फेमस कैसे हुआ? इस पैग का नाम किसी और शहर के नाम पर क्यों नहीं पड़ा? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। आप चाहे शराब पीते हों या ना पीते हों, लेकिन पटियाला पैग के बारे में जरूर सुना होगा। अगर ऐसे ना सुना हो तो गानों में तो जरूर ही सुना होगा। पटियाला पैग 1920 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह की देन है। ब्रिटिश से हुए क्रिकेट मुकाबले में महाराजा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस मैच की पार्टी में पटियाला पैग का जन्म हुआ। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भारत में महाराजा राजेंद्र सिंह की वजह से क्रिकेट का खेल शुरू हुआ था। महाराजा राजेंद्र सिंह की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वे पटियाला में विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को बुलाते थे। उनके बाद इस परंपरा को महाराजा भूपेंद्र सिंह ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत की तरफ से सन 1911-12 में टेस्ट मैच खेले। वहां से लौटने के बाद क्रिकेट उनका शौक बन गया। फिर उन्होंने रोड्स न्यूमैन और रॉबिन जैसे खिलाड़ियों को पटियाला बुलाया। सन 1920 में अंबाला छावनी में डगलस एकादश के खिलाफ 242 रनों की लंबी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 16 छक्के और 14 चौके लगाए। उस मैदान पर ही दोनों टीमों के लिए रात के भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस बड़ी पारी के बाद महाराजा इतने खुश थे कि उन्होंने खुद ही गिलासों में शराब डालकर पार्टी की शुरुआत कर दी। गिलास में शराब की मात्रा नॉर्मल पैग से दोगुनी थी। जब कर्नल डगलस को चीयर्स कहने के लिए गिलास दिया गया तो उन्होंने बहुत ही उत्सुकता से महाराजा से पैग के बारे में पूछा। फिर महाराजा हंसते हुए बोले, अब पटियाला में और मेरे मेहमानों के लिए पटियाला पैग से कम कुछ भी नहीं चलेगा। फिर दोनों ने हंसते हुए एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया। तब से हर पार्टी में सभी शाही मेहमानों को पटियाला पैग जरूर दिया जाता है और तब से यह पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।